नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल, आपके अपनी कोचिंग आदर्श कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम विज्ञान में कक्षा 10 रसायन विज्ञान का पहला पाठ पढ़ रहे हैं। तो कल हमने उसका पहला भाग देखा था, आज हम उसी का दूसरा भाग पढ़ेंगे और इसमें हम सीखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करते हैं। तो आज के भाग में हम ये सीखेंगे, चलिए देखते हैं। तो पहले हम समझते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो जैसे कि आप बोर्ड देख सकते हैं कि बोर्ड पे एक असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है, तो ये है क्या, इसको हम समझते हैं। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण जो होता क्या है कि जो अभिकारक के अभिकारक तत्व होते हैं उनके जो परमाणु होते हैं और उत्पाद के जो तत्व होते हैं उनके परमाणु आपस में बराबर नहीं होते। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 और 1 3 है, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2। इधर हाइड्रोजन की संख्या है 3 और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो पहला तो ये कि दोनों तत्व, तो पहला हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में के परमाणु जो है दोनों तरफ बराबर नहीं है, असमान है। फिर देखते हैं ऑक्सीजन 4 और 1 5 है, ऑक्सीजन 4 1 5 है, ऑक्सीजन संतुलित है। फिर देखिए सल्फर 1 सल्फर 1 सल्फर भी संतुलित है। फिर हम देखते हैं सोडियम 1 और सोडियम इधर 2, तो सोडियम यहाँ पर असंतुलित है, इधर सोडियम 1 है, इधर सोडियम 2 है, तो सोडियम भी असंतुलित है, बराबर नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो तीर की तरह वाला तत्व है अभिकारक पदार्थ की तत्व और जो तीर की तरह वाला तत्व है उत्पाद पदार्थ की तत्व, दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इस तरीके के जो समीकरण होते हैं इनको हम बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिनमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के तत्व पदार्थों के जो तत्व होते हैं उनके परमाणु संख्या आपस में बराबर नहीं होती है। और जो संतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं उनमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के परमाणु संख्या बराबर होती है, समान होती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जल इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें आप देख सकते हैं कैल्शियम कितना है, इस तरफ 1 कैल्शियम है, इस तरफ कितने कैल्शियम है, 1 कैल्शियम। हाइड्रोजन कितना, इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 1 2 वोल्टाइज लगा है, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों दो है। ऑक्सीजन कितना है, 1 और 1 2, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 1 2 है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कैल्शियम भी 1 है, इधर भी कैल्शियम भी बराबर है, हाइड्रोजन बराबर है और ऑक्सीजन बराबर है। इसमें जो अभिकारक पदार्थ के तत्व हैं और जो उत्पाद पदार्थ के तत्व हैं दोनों के परमाणुओं की जो संख्या है वो बराबर है, दोनों पदार्थ बराबर मात्रा में उपस्थित है, अभिकारक में भी और उत्पाद में भी। तो इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं इनको हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, और जो इस प्रकार के समीकरण होते हैं इनको हम बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें अभिकारक पदार्थ के तत्व और उत्पाद पदार्थ के तत्वों के परमाणु संख्या बराबर नहीं होती। अब हम आगे सीखते हैं तो कि जो हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण है उसको हम संतुलित कैसे करते हैं। हमने अभी तक देखा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। अब जो समीकरण असंतुलित है तो हमें उसको संतुलित करना पड़ेगा, जो समीकरण असंतुलित है उसको हमें संतुलित करना पड़ेगा। तो आइए आगे देखते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो मैं संतुलित वाला निकाल देता हूं, अभी बोर्ड पे एक असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है, तो पहले हम इस असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, देखते हैं क्या संतुलित किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जितने अभिकारक पदार्थ के भी जितने तत्व हैं और उत्पाद पदार्थ के जितने तत्व, सबको अलग अलग हमको लिख लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर अभिकारक है हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, तो इसमें कितने तत्व हैं, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन 3 तत्व हैं, तो इनको अलग अलग लिख लो, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, इसमें 3 तत्व, इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। और ये तीनों तत्व एक ही यौगिक के, ध्यान दीजिएगा कि हमको जितने भी तत्व हैं सबको अलग अलग लिखना है और जितने तत्व एक यौगिक में है, जहां से जहां तक तत्व एक ही यौगिक में हमको मिल रहे हैं उसको हमको इस तरीके से मिला देना है। जैसे यहाँ देखिए ये यौगिक यहाँ से हाइड्रोजन लेकर ऑक्सीजन तक है, तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन तक एक लाइन खींचती है, ताकि हमको इससे पता चलता रहेगा कि ये एक ही यौगिक के तत्व हैं। फिर आगे आप देखेंगे तो आता है सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन,
सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये भी एक ही यौगिक तत्व है, तो इनको भी हम मिला देंगे ऐसे। अब देखिए सभी संख्या दीजिए कौन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, देखिए नीचे दो लिखा हो, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर दो है, सल्फर नीचे कुछ नहीं, जहाँ कुछ नहीं वहां एक होता है, यहाँ पर एक है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन होता है चार, यहाँ पर ऑक्सीजन चार है, इधर देखिए सोडियम कितना है, सोडियम है एक, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी है एक, और हाइड्रोजन भी एक है, यानी तीनों तत्व तो एक एक है, तीनों तत्व तो परमाणु संख्या एक है। अब इधर देखेंगे, इधर हमको मिलता है सोडियम, पहले पहले पदार्थ में पहले यौगिक में मिलता है सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन, और तीनों एक ही पदार्थ के एक ही यौगिक के तत्व हैं, इसलिए हमको मिला देंगे। फिर आगे देखते हैं, हमको मिलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी एक ही यौगिक है, इनको भी हम मिला देंगे। अब देखिए सोडियम कितना है, सोडियम यहाँ पर है दो, सल्फर कितना, सल्फर है एक, और ऑक्सीजन है चार, हाइड्रोजन यहाँ पर है दो, यहाँ पर ऑक्सीजन है एक। जैसे कि आपको हमने लिखने से पहले बता दिया था कि ये सभी असंतुलित हैं, इनको हम मिला देते हैं, एक बार फिर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है दो और एक तीन, यहाँ पर हाइड्रोजन है दो, हाइड्रोजन असंतुलित है, सोडियम यहाँ पर एक और सोडियम यहाँ पर दो, सोडियम असंतुलित है, तो पहले हम सोडियम को संतुलित करते हैं, सोडियम यहाँ पर कितना है दो, यहाँ पर सोडियम कितना है एक, तो एक में कितने से गुणा करें कि दो हो जाए, दो से गुणा कर दो एक के दो, तो यहाँ क्या करेंगे दो से गुणा कर देंगे, सोडियम में दो से गुणा कर देंगे, और सोडियम में दो से गुणा कर देंगे, क्योंकि सोडियम जो है वो इसी यौगिक का एक पार्ट है, इसी यौगिक का एक भाग है, इसी यौगिक का तत्व है, सोडियम यहाँ पर सोडियम में दो से गुणा करेंगे कि सोडियम में हम कितने गुणा करेंगे दो से गुणा करेंगे तब ये दो हो जाए, सोडियम में हमने दो से गुणा किया दो हो गया, तब सोडियम यहाँ पर दो हो गया है, तो सोडियम इस यौगिक का सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक तत्व है, तो अगर हम सोडियम में दो से गुणा करते हैं तो हमको पूरे यौगिक में दो से गुणा करना पड़ता है, अगर सोडियम में दो से गुणा किए हैं तो हमको पूरे यौगिक में दो से गुणा करना है, तो हमको इसमें भी दो से गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी दो से गुणा करना पड़ेगा, दो इक्के दो, दो इक्के दो, तीनों में दो लग गया, तो अब देखिए सोडियम कितना है दो, इधर सोडियम कितना है दो संतुलित है, अब देखिए हाइड्रोजन कितना है दो और दो चार, इधर हाइड्रोजन कितना है दो, अब हाइड्रोजन संतुलित कर लिए, इधर दो और दो चार है, इधर दो है, तो दो में इस दो में कितने गुणा करें चार हो जाए, दो में दो से गुणा करते हैं तो चार, तो यहाँ पर हमको दो से गुणा कर देना, दो से गुणा कर दिया हो जाएगा दो दूना चार। अब देखिए फिर वही बात आ गई कि हाइड्रोजन अकेला तो है नहीं कि हम हाइड्रोजन में गुणा कर देंगे, हाइड्रोजन एक यौगिक का भाग है जो कि जल है वो यौगिक, और अगर हम हाइड्रोजन में गुणा करते हैं तो उसके साथ में जो तत्व तो है ऑक्सीजन उसमें भी हमको दो से गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें भी हम दो से गुणा कर देंगे, तो ये भी रहता है दो के दो। अब मिला लीजिए सोडियम यहाँ पर है दो, सोडियम हो गया दो, ऑक्सीजन दो और चार छः, ऑक्सीजन दो और चार छः, हाइड्रोजन दो और दो चार, हाइड्रोजन हो गया चार, सल्फर है एक, सल्फर एक। अब देखिए दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या तत्वों तो की परमाणु संख्या बराबर हो गई, जैसे कि आप देखते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर दो और दो चार होते हैं, यानी हाइड्रोजन के यहाँ पर चार परमाणु, इधर देखिए हाइड्रोजन कितने परमाणु हो गए चार परमाणु हो गए, यहाँ पर देखिए आप सोडियम के दो परमाणु हैं तो यहाँ पर भी सोडियम के दो परमाणु हैं, दोनों तरफ संतुलित हो गए हैं, ऑक्सीजन देखिए चार और दो छह परमाणु हो गए, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर चार और दो छह परमाणु हो गए, और सल्फर के एक परमाणु से सल्फर के एक परमाणु है, एक पूरी तरीके से समीकरण हमारा संतुलित हो चुका। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये तो हमने संतुलित तो कर दिया लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखना बहुत ही आसान है, आपको करना कुछ नहीं है, बस देखिए कौन सा कहाँ पे लिखा था, हमने इस यौगिक को कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ये यौगिक यहाँ पर है इतने में, ये पूरा यौगिक जो हाइड्रोजन सल्फेट है ये पूरा इतने में लिखा, तो इसमें हमने किसी से गुणा किया है नहीं किया, तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे जैसे कि लिखा हुआ है H2SO4, इसको ऐसे ही लिख देना है। अब देखिए इसके बाद कौन सा लिखा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने कहाँ लिखा था, यहाँ पे लिखा, इस यौगिक को हमने यहाँ पे लिखा है, तो इसमें हमने कितने गुणा किया है दो से गुणा किया है, इस यौगिक को हमने यहाँ पे लिखा था इसमें कितने गुणा किया है दो से गुणा किया, तो हमको कुछ नहीं करना, इस यौगिक के आगे हमको दो लगा देना है, दो से पूरा कर देना है, कैसे देखिए आप इस तरीके से हमको इसके आगे दो लगा देना, दो लगा के शब्द को लिख देना, दो लगा के शब्द को हमको लिख देना, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इधर ये तो अभिकारक,
पदार्थ हो गए। अब उत्पाद पदार्थ तो देख लेते हैं, तो इधर पहला है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में आप देख लीजिए इधर ही, हमने इस सोडियम सल्फेट में किसी से गुणा किया था? नहीं किया, तो इसको वैसे लिख देना है जैसा था वैसे हम इसको लिख देना है Na2SO4, Na2SO4, Na2SO4। और दूसरा योग है H2O जल, तो हमने जल में किससे गुणा किया था? हमने जल में गुणा किया था 2 से, H2O में हमने कितने गुणा किया था? 2 से, तो इसके आगे भी हमको H2O के आगे भी 2 लगा देंगे, 2H2O। ये हो गया हमारा समीकरण संतुलित, ये हमारा समीकरण ये संतुलित हो गया। अब इसको कुछ करने की नहीं, हमारा देख लीजिए आप कितने हैं हाइड्रोजन, 2 और 2 1 2 और 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए 2 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए 4 और 2 1 2 4 2 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 1 2 4 2 6 हाइड्रोजन। सोडियम यहाँ पर 2 1 2 है, सोडियम यहाँ पर 2 है, सल्फर 1 है और सल्फर यहाँ पर 1 है। तो हमारा समीकरण पूरी तरीके से संतुलित हो चुका है। चलिए एक और एग्जाम्पल इसी साथ देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। आपको अगर इसको नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके या कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं, Na सोडियम प्लस E2H5OH एरो CH3CH2 Na प्लस H2O सॉरी H2O। ये तो अब देखिए इस समीकरण को हमको संतुलित करना है, तो हम पहले मिला लेते हैं ये समीकरण संतुलित है कि असंतुलित है, तो इसके बाद हमको इसको संतुलित करना है। तो चलिए देखते हैं, तो सोडियम को हम अलग लिख देंगे, सोडियम अकेला है, इधर क्या है C2 तो H को एक ही बार लिख देंगे, दोनों जोड़ के लिख दिए 5 1 6, उनको मिला के लिख दिए 5 1 6, और ऑक्सीजन। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं सोडियम अकेला है, इसलिए सोडियम को अकेला लिखेंगे, सोडियम हमारा हो जाएगा 1, और कार्बन, कार्बन कितना है इधर 2 है, हाइड्रोजन कितना है इधर 5, और एक 6 हाइड्रोजन अलग अलग लिखा है लेकिन जोड़ के लिखेंगे। ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन हमारा है 1। अब इधर वाले को लिख लेंगे, इधर कौन कौन सा था, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और सोडियम, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और सोडियम, इनको मिला देना है। तो कार्बन कितना है, कार्बन हमारा है 1 और 1 2, हाइड्रोजन 3 2 5, ऑक्सीजन 1, सोडियम 1, और हाइड्रोजन हमारा है 2। हम मिला लेते हैं सब, तो संतुलित है या संतुलित है, तो हाइड्रोजन हमारा है 5 और 2 7, और इधर हाइड्रोजन है 6, तो इधर 5 2 7 इधर 6, तो हाइड्रोजन असंतुलित है पहले ही। फिर देखते हैं कि ऑक्सीजन 1 1 ऑक्सीजन संतुलित है, कार्बन भी हमारा संतुलित है, सोडियम 1 सोडियम 1 असंतुलित है, तो हमारा सिर्फ हाइड्रोजन असंतुलित है। हाइड्रोजन हमारे इधर 5 और 2 7 है, इधर 6 है, तो 6 में हम गुणा करके 7 तो हम ला नहीं सकते, या 7 में गुणा करके 6 तो हम ला नहीं सकते, तो हमको अपना दिमाग यहाँ पर लगाना पड़ेगा, आपको अपने अपने दिमाग सोचना पड़ेगा हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर हम इसको 2 से गुणा करके 6 दुना 12 कर दें, और इधर 2 से गुणा करके 5 दुना 10 कर दें, 10 और 2 12 इधर हो जाएगा और 6 दुना 12 इधर हो जाएगा। देखिए दो से गुणा करते हैं अगर हम इधर, तो इधर हो जाएगा 2 6 12, ये 12 हो गया, इसके साथ ही इसमें भी गुणा होगा, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 2 1 2 हो जाएगा।
अब ये 12 हो गया, अब हम 5 में 2 टुकड़ा कर दें, 5 में 10 हो जाएगा और 10 और 2 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम 2 से गुणा करेंगे और 2 से गुणा करें 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 इक्के 2, 2 इक्के 2, अब मिलाइए 2 छन 12, 10 2 12। फिर जरा देखिए ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, कार्बन 4, कार्बन 4 यहाँ पर, सोडियम 2 है तो यहाँ पर सोडियम 2 है तो यहाँ पर सोडियम 1 है, तो इसमें भी हमें गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा सोडियम हमारा 2। तो आप देखिए अब इसको हम लिख लेंगे, हमने कहाँ कहाँ 2 से गुणा किया था, सोडियम में, सोडियम में हमने 2 से गुणा किया तो सोडियम के आगे 2 लगा के लिख दीजिए, 2 Na। फिर हमने कहाँ 2 से गुणा किया था, फिर हमने गुणा किया है नीचे वाले में CHO यानी C2H5OH एथेनॉल में, एथेनॉल में हमने 2 से गुणा किया, तो इसमें भी हम आगे 2 लगा देंगे, 2 लगा के लिख दीजिए 2 C2H5OH एरो। फिर देखिए हमने इसमें हमने गुणा किया था, कितने से गुणा किया था, 2 से गुणा किया था, इसमें भी आगे 2 लगा के लिख दीजिए 2 CH3 CH2 O Na plus H2। देखिए आपका ये समीकरण संतुलित हो चुका है, आपका ये समीकरण संतुलित हो गया है, और आप इस विधि का उपयोग करके कैसा भी समीकरण हो आप उसको संतुलित कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समीकरण को संतुलित करना आ गया होगा, और आपके अभ्यास में अभ्यासिका में एनसीईआरटी बुक में पीछे 4 समीकरण संतुलित करने के लिए दिए हुए हैं, फिर भी हम आपको 2-4 समीकरण संतुलित करने के लिए बोर्ड पे दे देते हैं, आप उसको नोट कर लीजिए और उसको संतुलित कर लीजिएगा, घर पे आप अभ्यास करते रहिए। तो ये घर के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको दे देते हैं, आप इसको इसको समीकरण देते हैं, आप इस समीकरण को संतुलित करके देख लीजिएगा। तो पहला समीकरण आपका है BaOH का मोल ट्वाइस प्लस HBr एरो BaBr2H2O BaBr2 plus H2O। और जो अगला समीकरण हमारा है वो है MnO plus Cl2 equal to MnCl2 plus O2। अगला समीकरण है CH4 plus O2 एरो CO2 plus H2 CO2 plus H2O। एक समीकरण और लिख लीजिए KCN plus H2SO4 Aero K2SO4 plus HCN। ये कुछ असंतुलित हैं समीकरण हैं, आप इनको संतुलित कर लीजिए घर घर पे, और आज की आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो आपके लिए कल नई क्लास आएगी, इसका भाग 3 लिख आएंगे पहले पार्ट का। तो अगर आपको कोई सुझाव है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और हमारे ऐसी नई नई वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। धन्यवाद।